दोस्तों, हम जब मत्ती 5:27 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ऐसा नहीं है कि मसीही लोगों से पाप नहीं होता है, मसीही लोग भी व्यभिचार करते हैं। अगर आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बंधु हैं, चोरी छुप के जाकर वो शराब की भट्टी पर दारू पीते हैं। बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, अगर उनके मोबाइल फोन में देखा जाए तो वो लोग अपने मोबाइल के फोल्डर में किसी ऐसी जगह ब्लू फिल्म रखे रहेंगे ताकि उनके घर वालों को पता ना चले, नहीं तो लोग सोचेंगे कि अरे अब इस उम्र में ये गंदी फिल्म देख रहा है। हमारे समाज में अगर देखा जाए तो जहाँ दो चार लड़के इकट्ठे हो जाते हैं ना, यंग लोग, वहाँ केवल लड़कियों की बात करते हैं कि ये लड़की ऐसे होती है, वो लड़की ऐसी है, उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं, उसके बारे में ऐसी, मतलब आजकल 90-95% लड़कों में यही सब चर्चाएं होती रहती हैं। स्कूल में लड़के जाते हैं तो वो पढ़ाई की बातें कम करेंगे, लड़कियों की बातें अधिक करेंगे। आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते ही 12-13 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगे हैं, एक दूसरे से चुंबन किस की बातें करते हैं। अगर माँ बाप रोकते हैं तो वो लोग माँ बाप को ही उल्टे फंसा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर केस कर दूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अपने माँ बाप से लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर भी इतने समझाने पर भी वो लोग जाकर किसी मंदिर या किसी चर्च में या किसी कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उन लोगों का तलाक भी हो जाता है। तो देखा आपने व्यभिचार कितना बड़ा पाप है। ये पहले शुरू से स्टार्टिंग होता है मन से ही और धीरे धीरे बढ़कर ये इतना बड़ा हो जाता है कि एक इंसान का जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब ऐसा क्यों है, आजकल दुनिया में ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आज परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लोग परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते हैं, हालांकि परमेश्वर सबको बुला रहा है अपने पास कि मेरे बच्चों आओ, तुम्हारे सारे रोग सारे पाप मैं दूर कर दूंगा। लेकिन लोगों को उसी पाप में उसी बुराई में रहना पसंद है, वो लोग सच्चे परमेश्वर को पाना नहीं चाहते, पवित्रता में जीना नहीं चाहते। इसीलिए आज इंसान जब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ता है या किसी कठिनाई में पड़ता है तो वो परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे ये कर दिया, मुझे इतनी बड़ी रोग दे दिया, मुझे गरीबी है, मुझे लाचारी है। खाक परमेश्वर ने किया, तुमने तो कभी परमेश्वर का आवाज़ सुना ही नहीं, परमेश्वर का बात माना ही नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? तुम खुद हो उसके जिम्मेदार। आप लोग देखते होंगे कि जो पाप माता पिता करते हैं ना, वो पाप उनके बच्चों में भी जाता है, उनके बच्चों को भी वो पाप भोगना पड़ता है। तो माता पिता को भी हर बुराई से हर पाप से दूर रहना चाहिए ताकि वो पाप उनके बच्चों के ऊपर ना पड़ने पाए। दोस्तों, जब हम यहाँ रोमियों 6:23 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी पाप की मजदूरी क्या है? अनंत काल की मृत्यु है, अनंत काल का नर्क है। यानी हमें उस नर्क में अनंत काल के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम सचमुच परमेश्वर को मानते हैं तो हमें सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे हम दारू पीते हों, चाहे सिगरेट पीते हों, चाहे गुटखा खाते हों, या फिर चाहे हम किसी लड़की को गलत निगाह से देखते हों, या किसी औरत को गलत निगाह से देखते हों, किसी की निंदा करते हों, या फिर किसी मूर्ति पूजा में लगे हों, या फिर हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई है, तो हम पाप के दासत्व में हैं। लेकिन अगर हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में हमने मान लिया है तो हमारे पाप उसी दिन उसी क्षण क्षमा हो जाता है, जीवन भर का पाप हमारा क्षमा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमारे पाप तो क्षमा हो गए हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इसलिए हमारे पाप जो है
क्षमा हो गए हैं और हम अब पाप कर सकते हैं। हम गुटखा भी खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, दारू भी पिएंगे, लड़कियों को भी छेड़ेंगे, चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। अब तो हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब तो हम मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन भर के सारी बुराइयों को छोड़कर जब यीशु मसीह के पास आता है और उसे अपना परमेश्वर मानता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक पवित्र व्यक्ति बन जाता है। उसके अंदर जरा सा भी रत्ती भर का पाप नहीं रह जाता है। जैसे परमेश्वर पवित्र है ना, वो वैसे ही वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बुराई से, जिस गंदी नाली से वो निकलकर बाहर आया था और वो एक साफ सुथरा जीवन जी रहा है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, तो फिर वो उस बुराई में फिर से लौटकर क्यों जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि ये जो जीवन है ना, अन्य धर्मों में सभी लोग सिखाते हैं कि मरने के बाद फिर इंसान का जन्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद कोई जन्म नहीं होता है। परमेश्वर हमें जीवन केवल एक बार देता है। अगर हम इस जीवन का महत्व नहीं समझेंगे तो हम गए काम से। सेकंड कुरिन्थियों 4:4 इसीलिए कहता है कि इस दुनिया के सारे लोगों को शैतान ने अंधी कर दी है। इस दुनिया का स्वामी आज शैतान बना हुआ है। जाएंगे सभी लोग उस अनंत काल के नर्क में जाएंगे एक दिन, देख लीजिएगा आप। जो हमारी बातों को नहीं मानते हैं वो पछताएंगे एक दिन, बहुत भारी उनको उनके ऊपर विपत्ति आने वाला है। तो दोस्तों क्या समझा आपने? ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं पाप भी करूंगा और स्वर्ग भी जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप जो है आपको लाइसेंस मिल जाता है पाप करने का, बुरा काम करने का। आप किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी से झूठ बोल सकते हैं, किसी की चोरी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी ऐसी धोखा में ना पड़िएगा मेरे दोस्तों। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो है परमेश्वर से क्षमा मांगिए अपने पापों का, अपने बुराइयों का, कि हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर लालच है, झूठ है, नफरत है, क्रोध है, लेकिन तू सब चीज़ का परमेश्वर है, तू सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तू चाहे तो मुझे बदल सकता है, मेरे मन को बदल सकता है, मैं फिर से नया बन जाऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे लायक स्वच्छ और एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। इस तरह से जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर से तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।